हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं मलाईदार मैंगो कुल्फ़ी। इस मलाईदार मैंगो कुल्फ़ी का एक सीक्रेट मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें हम मलाई का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ना ही हम इसमें दूध डालेंगे, ना ही हमें गैस के चूल्हे को जलाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी हमारी कुल्फ़ी सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगी। लेकिन हाँ, इसको सेट करने के लिए आपको 8 से 10 घंटे के लिए डीप फ्रीज में रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मलाईदार मैंगो कुल्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 3 मीठे आम, 100 ml अमूल फ्रेश क्रीम, 5 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी, 5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1/4 टीस्पून यानी कि 1 चुटकी नमक। उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद हमने उनको ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पर ब्लेंड करते वक्त हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक। यहाँ पर नमक डालने से कुल्फी में बाजार जैसा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम, पीसी हुई चीनी और मिल्क पाउडर। अब हम इसको एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड होने के बाद हमारी कुल्फी का मिश्रण कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इसको कुल्फी मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसा कुल्फी मोल्ड ना हो तो आप इसको इस तरह के ग्लास में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमने कुल्फी के मिश्रण को कुल्फी मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसको पैक कर देंगे। हमने जो ग्लास लिया है उसको हमने फॉइल पेपर से कवर करके उसमें स्टिक डाल दी है। अब हमारे इन मोल्ड्स को हम डीप फ्रीज में 5 से 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। डीप फ्रीज में हमारी कुल्फी को रखे हुए 6 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब हम इनको कुल्फी मोल्ड में से निकाल लेंगे। कुल्फी मोल्ड में से कुल्फी आसानी से निकालने के लिए हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पानी में रख देंगे। लीजिए, हमारी मलाईदार और क्रीमी मैंगो कुल्फी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी मलाईदार मैंगो कुल्फी की रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।